गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एज यू नो कि हमने हमारा थर्ड चैप्टर द मैजिक मिलस्टोन्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है। हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली है, इसकी बैक एक्सरसाइज कर ली है, वर्ड मीनिंग कर लिए हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट्स ने इसका कोई भी वर्क जो है पेंडिंग है, अगर आपके पास वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स या बैक एक्सरसाइज की पिक नहीं पहुंची है, तो वो मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज करे और ले सकता है। स्टूडेंट्स, आज हम हमारा इंग्लिश रीडर का फोर्थ लेसन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ लेसन जो है वो है फॉर्चून यानी किस्मत। बीइंग आइडल और डिपेंड ऑन फॉर्चून कॉजेस फेलियर, की बेकार होना या भाग्य पर या किस्मत पर निर्भर होना हमें असफल बनाता है। बिकॉज फेट नेवर कम्स, क्योंकि भाग्य हमेशा नहीं आता, भाग्य नहीं आता। इट कम्स ओनली व्हेन, यह तब आता है। यू वर्क हार्ड, व्हेन यू वर्क हार्ड, कि जब आप मेहनत करते हैं। लर्न दिस पोयम केयरफुली एंड एंजॉय, कि इस पोयम को ध्यान से सीखिए और इंजॉय करिए। डोंट देन स्टैंड आइडली वेटिंग फॉर सम ग्रेटर वर्क टू डू। फॉर्चून इज अ लेजी गोडीज, शी विल नेवर कम टू यू, कि एक बेकार की तरह खड़े नहीं रहना कि हमारे पास काम खुद आएगा, क्योंकि भाग्य जो है, किस्मत जो है, एक आलसी देवी है, वह कभी भी हमारे पास नहीं आएगी या कभी भी आपके पास नहीं आएगी। गो टू टॉयल इन एनी वाइन यार्ड, कि किसी भी अंगूर के बाग में जाओ। डोंट फियर टू डू एंड डेयर, कि डरो मत, जो करना है वो करने की हिम्मत रखो। इफ यू वांट ए फील्ड टू लेबर, अगर आप मेहनत करने के लिए कोई क्षेत्र चाहते हैं, यू कैन फाइंड इट एनीवेयर, तो आप उसे कहीं पर भी ढूंढ सकते हो या कहीं पर भी खोज सकते हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे फोर्थ लेसन की जो रीडिंग है वो कंप्लीट होती है। तो आपको क्या करना है, इस लेसन के डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं वो आपको अपनी सिलेबस नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। थैंक यू।